हेलो फ्रेंड। अच्छा, मैं आपको आज एक और नई चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी शायद आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा, सबसे पहले आप ऊपर सेटिंग्स आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पे मेरा C3855 लिखा हुआ है, उसके लेफ्ट साइड पे टॉप पे सेटिंग्स का आइकन है गोल कलर का। सेटिंग्स में जाएं, इसमें कंट्रोल्स कंट्रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। कंट्रोल्स को आप देखें, कस्टम लेआउट कर सकते हैं। एडवांस मोड है, सिंपल मोड है। सिंपल मोड में आप जब प्लेयर के ऊपर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फायर करेगा। एडवांस मोड में खेलें, एडवांस मोड थोड़ा सा बेहतर है, इसमें टारगेट मतलब आपका एम ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें जी कस्टम लेआउट नीचे येलो कलर में लिखा हुआ है, कस्टम लेआउट बड़े मज़े की चीज़ है, ये चेक करते हैं। कस्टम लेआउट में जाएँ, कस्टम लेआउट में आप देखें, आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करेंगे तो आप उसको मूव कर सकते हैं। जिस तरह मैं अपना ये ट्रिगर के बटन को राइट कॉर्नर पे मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दूसरा, इसको क्या कर सकते हैं कि आप स्केल कर सकते हैं। ऊपर जहाँ पे रीसेट कैंसिल लिखा हुआ है, इसके नीचे स्केल और ओपेसिटी लिखी हुई है। स्केल आप इसको करेंगे तो ये देखें छोटा और बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप इसकी ओपेसिटी करेंगे तो ये डिम होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो जाएगा। आप अपने कंट्रोलर्स को कस्टम लेआउट करें, किसी भी चीज़ पे क्लिक करें, उसको स्केल करके बड़ा करें, छोटा करें, ये देखें। साथ आप उसको मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। सारे बटन्स को अब मैं लेफ़्ट साइड पे अपने जिनसे आप वॉक करते हैं, भागते हैं, उस कंट्रोलर को चेक कर रहा हूँ, उसको भी आप देखें, साथ स्केल करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हर बटन को आप अपने मुताबिक एडजस्ट करें, ये बड़ा काम की चीज़ है। और ये आप एक दफ़ा करके ट्राई करें। पहली दफ़ा आप खेलेंगे, आपको ज़रा नए कंट्रोल्स हैं, थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, लेकिन दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, तीन चार दफ़ा आप गेम प्ले में आप जज कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेआउट कंट्रोलर का बेस्ट सूट करता है। तो ये आज की एक टिप है, ये ज़रा ट्राई कर लें जितने भी प्लेयर्स हैं।